नमस्कार। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे पर कल का मंगल किस पर बारी पड़ने वाला है, ये देखने लायक होगा। सचिन पायलट खेमे की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई टाल दी है। कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 1-1.5 घंटे की बहस के बाद लंच ब्रेक तक अंतिम फैसला भी इस याचिका पर सुना दिया जाएगा। इस याचिका को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस में निराशा है और यही कारण रहा कि अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट को निकम्मा, नीच, कामचोर, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। और ये जो शब्द है निश्चित तौर पर राजनीति में निराशा का प्रतीक होते हैं। अभी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के हाथ निराशा लगने वाली है और यही कारण रहा कि अशोक बौखलाए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर इस तरह से दावा है वो बोल दिया था, जिसके बाद सचिन पायलट ने भी मीडिया में आकर के बयान दिया और उन्होंने कहा कि निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग करके सचिन पायलट ने मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है। ऐसे में कानूनी राय लेकर के वो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसे सभी विधायकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे जो सचिन पायलट के खिलाफ लगे हुए हैं, उनकी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। सचिन पायलट अपने 25 विधायकों के साथ है अशोक गहलोत से बगावत कर चुके हैं और इसी बौखलाहट में अशोक गहलोत अपना बहुमत का आंकड़ा खो चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने के कारण और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का फैसला भी कांग्रेस और गहलोत सरकार के खिलाफ आने की उम्मीद के चलते बौखलाई अशोक गहलोत की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की गई है। यदि कल हाई कोर्ट पर मंगल है वो अशोक गहलोत सरकार के लिए अमंगल निकलता है तो निश्चित है कि सचिन पायलट खेमे में एक बड़ी उम्मीद जगेगी और साथ ही नोटिस निरस्त करने के फैसले से पायलट खेमे की संख्या भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यही डर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सता रहा है कि यदि इस नोटिस निरस्त करने का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुना दिया गया तो और भी कई विधायक गहलोत खेमे से निकल करके पायलट खेमे में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत पहले से ही बहुमत का आंकड़ा तो खो ही चुके हैं, साथ ही करोड़ों रुपए के अंदर निर्दलीय अन्य पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त करके जिस तरह से अशोक गहलोत ने उनको कैद में रखा हुआ है, पानी की तरह जो पैसा उन पर बहाया गया है वो पैसा भी बेकार जाएगा। इसी डर ने अशोक गहलोत को बौखलाहट में इस तरह से जो बोलने के लिए मजबूर कर दिया और पायलट के खिलाफ उन्होंने कड़ी आवाज उठाई और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए निकम्मा जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इसके अलावा अब अशोक गहलोत की तरफ से जो ऑडियो टेप का मामला सामने आया था और जिसमें सचिन पायलट हुए, बीजेपी के केंद्रीय नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, जो कांग्रेस के विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा भंवरलाल शर्मा, इनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की थी एक ऑडियो टेप के जरिए और एसओजी में इसको लेकर के मुकदमा भी दायर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जब केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, अशोक गहलोत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को एक तगड़ा झटका गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया और अमित शाह के मंत्रालय द्वारा इस ऑडियो टेप कांड की पूरी रिपोर्ट है वो मांगी गई। ऐसे में सीएमओ की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई है, गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। अब अशोक गहलोत को इस बात का डर था कि हो सकता है अमित शाह सीबीआई जांच भी इस मामले को लेकर के बैठा दें। यदि सीबीआई जांच बैठा दी जाती है तो निश्चित है कि गहलोत सरकार की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑडियो टेप है वो मिमिक्री की हुई है, एडिट की हुई है, फेक है। इसलिए सीबीआई जांच के डर ने अशोक गहलोत को एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया और अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान के गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार अब सीबीआई कोई भी जांच राज्य सरकार की अनुमति के बगैर राजस्थान में नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बौखलाहट है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से अशोक गहलोत एसओजी को लेकर के तंज कस रहे थे कि मानेसर के अंदर एसओजी को होटल में नहीं घुसने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, हरियाणा पुलिस ऐसी है, हरियाणा की बीजेपी सरकार ऐसी है, वैसी है, अब खुद सीबीआई जांच को लेकर के अपनी सुरक्षा बढ़ाने में लगे हुए हैं और अब राजस्थान में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसके तहत यदि राजस्थान के अंदर सीबीआई जांच बैठानी है केंद्र को तो निश्चित तौर पर राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी और इस ऑडियो टेप कांड को लेकर के गहलोत सरकार कभी भी इसकी परमिशन नहीं देगी। और अब गहलोत सरकार का बदलना जरूरी हो गया है क्योंकि सचिन पायलट
खेमे की संख्या भी 25-26 के लगभग हो गई है। तीन चार विधायक गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो विधायक अन्य विधायकों पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान की विधानसभा में और अशोक गहलोत खेमे में 9 गुर्जर समाज के विधायक हैं, वो निश्चित तौर पर अब पायलट के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो गुर्जर समाज की तरफ से महापंचायत की जा रही है उसमें बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग हैं वो सचिन पायलट के समर्थन में 26 जुलाई को हरियाणा के सोना के रिठोस गांव में एक महापंचायत बुला चुके हैं। 9 गुर्जर विधायकों को पायलट समर्थक इस तरह का संदेश देंगे कि वो पायलट का समर्थन करें, और यदि वो इससे मना करते हैं तो उन 9 विधायकों को गुर्जर समाज है वो अपने समाज से बहिष्कार कर देगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर के कल का मंगल भी पायलट और गहलोत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण दिन है, और इसके अलावा 26 जुलाई भी पायलट और गहलोत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कुल मिलाकर के अब अशोक गहलोत अपने विधानसभा स्पीकर का एक वोट बचा करके कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, बहुमत साबित करना चाहते हैं। जिस तरह से विधानसभा स्पीकर की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है कि विधानसभा से बाहर जो व्हिप जारी की गई और उसके एवज में कारण बताओ नोटिस विधायकों को दे दिए गए, 3 दिन का समय दिया गया, ये पूरी तरह से अनलीगल था, असंवैधानिक था, जिसके खिलाफ सचिन पायलट है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे और उसी पर सुनवाई फिलहाल जारी है। कल उसका फैसला आने वाला है, उसके बाद निश्चित है कि पायलट और भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बैठा सकती है, विधानसभा में कोई प्रस्ताव भी ला सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी विधानसभा स्पीकर के खिलाफ किया जा सकता है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो है मायावती, जिनके 6 विधायक जो अशोक गहलोत ने खरीद करके कांग्रेस में शामिल करवा लिए थे, उनको लेकर के भी मायावती ने राष्ट्रीय शासन लागू करने जैसी मांग उठा दी है। ऐसे में अब अशोक गहलोत की घेराबंदी विपक्ष ने पूरी तरह से कर ली है, चाहे वो मायावती हो, चाहे इसके अलावा पायलट खेमे के विधायक हो या बीजेपी खुद हो। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत के पास जो बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के कारण उनमें निराशा भी देखी गई है, बौखलाहट भी देखी गई है। इसके अलावा कल जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद तय होगा कि सचिन पायलट खेमे में कितने और विधायक शामिल होंगे, या फिर ये सभी के सभी इनकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। अब कल का मंगल किसके लिए अमंगल होने वाला है ये काफी देखने लायक है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट को लेकर के कई तरह के बड़े खुलासे भी हुए हैं कि उनकी बगावत को लेकर के किसी सेक्स प्रकरण को लेकर के भी कोई चर्चाएं हैं वो मीडिया में चल रही है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने सचिन पायलट की बगावत से बौखला करके कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है, और राहुल गांधी ने युवा मुक्त कांग्रेस बनाने का निर्णय ले लिया है। फिलहाल 65 साल से ऊपर उम्र के वर्ग कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तवज्जो कांग्रेस में बढ़ रही है, उनका दबदबा भी पार्टी में बढ़ रहा है, और यही कारण है कि अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस का आलाकमान खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट को इस तरह से डिप्टी सीएम के पद से बरखास्त कर दिया गया, इसके अलावा उनको किसी चीफ के पद से बरखास्त कर दिया गया, इसके कारण कांग्रेस के गहलोत खेमे के कई विधायकों ने पार्टियां भी की थी, रंगरलियां भी मनाई थी, इस तरह की खबरें भी बाहर आ रही है। होटल के अंदर नाच कूद भी हुआ था, वो भी सिर्फ इस कारण कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की गद्दी से और पीछे चीफ के पद से हटा दिया है। ऐसे में अब अशोक गहलोत की घेराबंदी में सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, और दोनों ही मिलकर के अब तगड़ा झटका अशोक गहलोत को देने वाले हैं। कुल मिलाकर के फ्लोर टेस्ट में ये साफ हो जाएगा कि अशोक गहलोत की सरकार रहने वाली है या नहीं, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के जो फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और यदि कल के दिन में यानी कि कल मंगलवार को यदि कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद अशोक गहलोत निश्चित तौर पर एक विधानसभा का सत्र बुला करके बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि विपक्ष या पायलट समर्थन की तरफ से कोई भी फ्लोर टेस्ट की मांग या बहुमत की मांग है वो नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत अपने स्पीकर के एक वोट को खोना नहीं चाहते, और बताया जा रहा है कि 99 के लगभग ही जो विधायक है वो अशोक गहलोत के पास मौजूद है। ऐसे में स्पीकर का एक वोट काफी महत्व रखता है, और इसी को लेकर के
अब जल्द से जल्द अशोक गहलोत प्रोटेस्ट करवाने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट हो चुका है कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। सचिन पायलट ने जिस तरह से बगावत की है उसके बाद निश्चित है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी, चाहे प्रोटेस्ट के दौरान तगड़ा झटका उनको मिल जाए। जिस तरह से 25 विधायक पायलट खेमे में फिलहाल मौजूद है, 9 गुर्जर समाज के विधायक है, उन पर भी दबाव गुर्जर समाज बनाने जा रहा है। इसके अलावा भी 4-5 ऐसे विधायक हैं जो निश्चित तौर पर पायलट खेमे के हैं और फिलहाल गहलोत खेमे में कैद हैं, और जैसे ही उनको छूट मिलती है उसके बाद वो तुरंत प्रभाव से पायलट खेमे में पहुंच भी सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से नोटिस को निरस्त कर दिया जाएगा तो और भी संख्या जो पायलट खेमे में इन विधायकों की बढ़ सकती है। एक सीपीआई के विधायक थे मैया मैया नाम से, वो भी आज वापिस जयपुर लौट चुके हैं, पायलट खेमे में थे पहले, लेकिन उन पर किसी तरह का दबाव बना करके उनको वापिस जयपुर बुला लिया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं गहलोत सरकार के साथ नहीं हूं। ऐसे में ये लोग फ्लोर टेस्ट के दौरान तगड़ा झटका भी दे सकते हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि यदि रिजाइन देकर के उपचुनाव करवाना होगा तो भी सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर के तगड़ा झटका देंगे, और यदि अब फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग करनी होगी तो भी सचिन पायलट बीजेपी के साथ देकर साथ रह करके गहलोत सरकार को तगड़ा झटका देंगे। अब कुल मिलाकर के ऑडियो टेप के मामले में जो सीबीआई जांच पर रोक गहलोत सरकार की तरफ से लगाई गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से लगाई गई है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है उसे कि कांग्रेस ने ये झूठ की गठरी के तहत ही ऑडियो टेप वो जारी किए थे। कुल मिलाकर के सीबीआई जांच में सब साफ हो जाता, गहलोत सरकार की पूरी पोलपट्टी खुलकर सामने आ जाती, और इसी डर से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच पर राज्य सरकारों की मांग को लेकर के एक नया निर्णय ले लिया है, जिसके बाद राजस्थान राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले अशोक गहलोत सरकार से परमिशन लेनी होगी। लेकिन सचिन पायलट खेमे में ये संख्या यदि बढ़ती है तो अशोक गहलोत की सरकार गिरना तय है, उसके बाद सीबीआई जांच होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस और गहलोत की सरकार की तरफ से जो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे इसमें कितना दम है। उपचुनाव में भी सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम करके एक तरह से गहलोत सरकार को तगड़ा झटका देंगे। फिलहाल अपनी विधायकी बचाने में सचिन पायलट हैं वो लगे हुए हैं, और इसीलिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है, और ये भी तय है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। यदि पायलट के खिलाफ ये जो निर्णय आता है, फैसला आता है, तो पायलट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और गहलोत सरकार के खिलाफ यदि ये निर्णय आता है तो गहलोत सरकार निश्चित तौर पर पायलट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाएंगे। ऐसे में विधानसभा स्पीकर के एक वोट को लेकर के कहीं ना कहीं अशोक गहलोत है वो विधानसभा सत्र बुला करके जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं और बहुमत साबित करना चाहते हैं। फिलहाल फ्लोर टेस्ट में गुर्जर समाज के 9 विधायक क्या सचिन पायलट खेमे के साथ जाएंगे या गहलोत सरकार के साथ ही बने रहेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।